बेटा लास्ट क्लास में हम शायद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सीख के चले गए थे, और मैं तुम्हें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पॉइंट मास का जो बताया था। रिंग का सेंटर पे एक्सिस पर और फिर शेल का भी मैं सिखा के चला गया था। ये अंदर के लिए था और ये पोटेंशियल किसी पॉइंट पे बाहर के लिए था। और पोटेंशियल क्या था? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट गिविंग एनी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चाहो तो ये वापस से लिख लो सारे फॉर्मूले। ये पॉइंट मास का लिखो, ये पॉइंट मास का पोटेंशियल लिखो, ये रिंग का लिखो, रिविजन है बेटे, और ये शेल, ये सब आज सब ये यूज होंगे, आज सब मैं यूज करवाऊंगा ये चीजें तुम्हें। फटाफट लिखो ये पॉइंट्स। हल्का सा नीचे कर दीजिए। पोटेंशियल क्या था? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट गिविंग एनी काइनेटिक एनर्जी। लिख लिया हो तो आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सर। अब मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ, समझोगे बिल्कुल ध्यान से। देखो वर्क, स्कूल में कोई कुछ नहीं पढ़ाता ये सब बातें, स्कूल में कोई नहीं, स्कूल वालों को कुछ नहीं आता ये सब। मैं कहता हूं इफ देखो मैं अभी स्टेटमेंट पूरा ले, तुम बताओ। इफ मास एम इज मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी, देन वर्क डन बाय एजेंट इज, बोलो कितना इज एम वी। हाँ सर ठीक है, वी तो पोटेंशियल होता है फॉर ब्रिंग, पोटेंशियल होता है वर्क फॉर मूविंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब अगर मैं एम मास को मूव करूंगा तो इतना वर्क होगा। अब तुमने जब हमसे वर्क एनर्जी सीख रहे थे, वर्क बाय, तुमने अगर जब हमसे वर्क एनर्जी सीखा था तो हमने तुम्हें एक थ्योरम बताई थी, और थ्योरम ये थी वर्क बाय एक्सटर्नल इज चेंज इन मैकेनिकल। ठीक है, अब यहां पे दो फोर्सेस थे, यहां पे एक तो एजेंट खींच के ला रहा है ना भाई, और एक ग्रेविटेशन का फोर्स है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो कंजर्वेटिव होता है,
तो अब इस केस में वर्क बाय एक्सटर्नल हो जा रहा है, काइनेटिक में तो वर्क हुआ दिया नहीं, ये तो एमवी हो गया, वर्क बाय एक्सटर्नल एमवी हो गया। ये जीरो क्यों? बिकॉज हमने विदाउट काइनेटिक एनर्जी दिया। अब यहां देखो, इंफिनिटी पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो होता है, तो ये उस मास की होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। वापस सुनो, आप एक मास को खींच के ला रहे हो एम मास के एक ऐसे पॉइंट पर जहां का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वी, तो आपने कितना वर्क करा? आपने वर्क करा एम वी। तो तुम याद करो, जब एजेंट वर्क करता है तो उससे सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी में चेंज आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ पे उसने काइनेटिक एनर्जी नहीं दी है, तो यहाँ पे जो भी वर्क हुआ उससे उसकी क्या बदली? केवल बोलो बेटा पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इन्फिनिटी पर तो पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते, तो ये हो गया उसकी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। लिखो इसको, वापस लिखो, मैं सवालों से कर पाऊंगा, आज केवल इसी पर डिस्कशन रहेगा। लिख लिया बेटा? लिख लिया हो तो बताइएगा। अरे लिखा नहीं? लिखा, ऐसा लिख लिया। अब इसी तरीके से एक और बात, अब अगर मैं एक मास M को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके गया, मैंने मूव किया, यहां का पोटेंशियल V1 है और यहां का पोटेंशियल V2 है, यहां से यहां मैंने एजेंट ने मूव किया यहां से यहां, तो मुझे बताओ वर्क बाय एजेंट जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक प्लस चेंज इन पोटेंशियल होगा। भाई एजेंट मूव कर रहा है स्लोली, तो काइनेटिक, हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज जीरो मान रहे हैं, तो वर्क विल बी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क बाय एजेंट हो जाएगा एम वी टू माइनस वी वन। तो पहले स्टेटमेंट लिखो, फिर सब अब पूरी क्लास इसी पे करूंगा। इफ मास एम इज मूव्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड, इफ मास एम इज मूव्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड from a point of potential V1 to a point where potential is V2, to
to a point where potential is V2, then the work done is Likho. ये एजेंट का वर्क हो जाएगा. लिख लिया हो तो बता दीजिएगा. अब हम सवाल चालू कर रहे हैं. कैन आई स्टार्ट द वर्क? ये एजेंट का वर्क होगा. सबसे पहले लिखो, एक एक करके कराऊंगा. M को मैंने मूव किया, यहां का पोटेंशियल है 10 जूल पर केजी और यहां का पोटेंशियल था 5 जूल पर केजी. और ये M है 2 केजी. देखो 2 केजी इज मूव फ्रॉम ए टू बी. 2 केजी इज मूव फ्रॉम ए टू बी. Find the work done. Find the work done by agent. ये 10 है, 10 है. अगला सवाल. कैन आई मूव? बस प्रैक्टिस करा रहा हूं. क्लियर कर दूं बेटा? क्लियर कर दूं? यस. एजेंट का वर्क है उसको मूव करवाने में. अगला सवाल नया लग रहा है, बट अब नया तो लगेगा, पहली बार सीख रहे हो. ट्वेल्थ में चार्जेस को मूव करवाएंगे. सपोज करो ये M1 है और इधर M2 है. ये दूरी R है. अब M2 को मैंने मूव करा, A से B मैंने मूव किया R, और ये दूरी 2R. M2 पहले लिख लो, फिर डायग्राम बनाना. M2 इज मूव फ्रॉम A टू B. M2 इज मूव फ्रॉम पॉइंट A टू B. M2 is moved from point A to B. Find the work done by agent. Find the work done by agent. अब देखो मैं क्या लिखता हूं. Work by agent. M2 को move किया, potential at B माइनस पोटेंशियल एट ए. अब बी पर पोटेंशियल M1 के द्वारा होगा. ये था फाइनल पोटेंशियल. ए पर पोटेंशियल लिख लो. कई सारे कराऊंगा आज, क्यों ले इसी पे बार बार बात की जाएगी.
लिख लिया। नेक्स्ट करते चलो प्रैक्टिस। अगला डायग्राम बनाओ। M naught is moved from, M naught is moved to infinity. M naught is moved to infinity. Find the work by agent. सोचो क्या करना होगा। एजेंट करो कैसे करेंगे? यहां देखो मैंने एम नॉट को मूव किया है तो वर्क होगा एम नॉट इंफिनिटी पे लेके पहुंच गए हैं तो वहां तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। अब यहां पोटेंशियल निकालना है तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो तीन के कारण से, इसके कारण से, इसके और इसके, तो मैं लिखूंगा और इसका दूरी रूट टू है, ये लिख लो। ये आ गया वर्क। कोई डाउट हो तो पूछना, मैं यही कराऊंगा पूरी क्लास में फॉर्मुलों का रिवीजन, और एक आध क्लास के बाद से जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो चालू करूंगा। प्रख्या क्लियर हुआ? प्रख्या यस सर। अवनी क्लियर हुआ? अवनी तुम बेटा पिछली क्लासेस में एब्सेंट थी क्या? अवनी अवनी बोल ही नहीं रही। चलो अगला क्वेश्चन। बिल्कुल सिंपल है। डायग्राम यहां पे एक पॉइंट मास एम है और बीच में एम नॉट। M naught is taken to infinity. M naught is taken to infinity. Find the work by agent. करो
कैसे करेंगे? एम नॉट को मूव करा, इन्फिनिटी पे इन दो के कारण से पोटेंशियल जीरो है। अब यहां निकालना है, इसके कारण से इतना होगा, ये वर्क हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। रिंग, ये रिंग है, मास डायग्राम बनाओ। रिविजन हो रहा है फॉर्मूलों का जो पोटेंशियल के। Feinberg. तो अब देखो वर्क M, रिंग का पोटेंशियल इन्फिनिटी पे तो जीरो है, सेंटर पे। फॉर्मूला तुम तो याद करोगे बाद में। देखो बेटा ये वर्क हुआ, ये एजेंट को इतना वर्क करना पड़ेगा उस पूरे इस एम को इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए। अगला रिंग का ही करवाऊंगा। सर 2 मिनट थोड़ा बच गया था। हो गया सर। नेक्स्ट रिंग है, रिंग एक एजेंट एम छोट एम नॉट को ए से बी लेके गया, डायग्राम बना। डायग्राम बना लो। एम नॉट इज मूव फ्रॉम ए टू बी, एम नॉट इज मूव फ्रॉम ए टू बी। फाइंड वर्क डन। फाइंड वर्क डन।
तो अब देखो बेटा वर्क, अब देखना ध्यान से, जिन्होंने क्लास अटेंड करी है उन्हें फॉर्मूले जरूर याद नहीं होंगे बट वो तो याद हो जाएंगे। अब मुझे मुझे पोटेंशियल बी पे निकालना है रिंग का, तो तुम्हें फॉर्मूला याद, अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया था मैंने पोटेंशियल का फॉर्मूला, ये था रूट एट आर स्क्वायर का, ये तो पोटेंशियल यहां हो गया माइनस सेंटर पर, ये पोटेंशियल। अब लिख लो इसको, सॉल्व करके जो भी आएगा वो एजेंट का वर्क आया। नेक्स्ट वन, हाँ ज्ञानेन में क्लास ले रहा था अभी, नेक्स्ट दे रहा हूं बेटा। देखेंगे, अच्छा चलो करो, अभी दे रहा हूं। ये एक रिंग है M1, radius R, M2, radius R, इनके बीच में दूरी R, M0 को डायग्राम बना लो पहले, फिर आज बात करेंगे। डायग्राम बना लो, M naught is moved from point A to point B. M naught is moved from point A to point B. What is the work done by agent? What is the work done by agent? तो अब हम करेंगे, रुको मैं थोड़ा लिखता हूं, तुम भी कोशिश करना। यहां तक तो ठीक है। अब सब देखें बी का पोटेंशियल कौन, मुझे बी का पोटेंशियल कौन बताएगा? चलो मुझे बी का पोटेंशियल बताओ पहले कितना होना चाहिए। बी इस रिंग का तो सेंटर पर है और इसके लिए एक्सिस पे, मुझे बी का पोटेंशियल बताओ क्या होना चाहिए। देखो मैं बताता हूं बी का क्या होगा, इसके लिए तो सेंटर है और इसके लिए वो एक्सिस पर है जिसमें ये दूरी ली जाती है और ये दूरी रूट टू आर होगी। अब मैं ए का पोटेंशियल निकालूंगा, ए इस रिंग का सेंटर है और इस रिंग के लिए वो एक्सिस है, ये लो डाल देना आंसर मिल जाएगा।
अगला कैन आई क्लियर दिस आईटी में आ चुका है ये सवाल मेडिकल में भी आ चुका है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सब यही होंगे वहां चार्ज रिंग हो जाएंगी बस इतना फर्क है शेल डायग्राम बनाओ एम नॉट फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल एम नॉट फ्रॉम सेंटर ऑफ द शेल is taken to infinity. M naught from center of the shell is taken to infinity. What is the work done by the agent देखो मूव किया एम नॉट को शेल के द्वारा पोटेंशियल इंफिनिटी पे जीरो होता है बिल्कुल सही है अब अंदर बेटा फॉर्मूले तो याद हो जाएंगे अंदर निकालना है पोटेंशियल तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा अंदर के लिए तो ये वर्क हो गया सर अंदर का पोटेंशियल निकालने के लिए तो रिंग और शेल दोनों के फॉर्मूले सेम है रिंग का तो जो सेंटर पे होता है अंदर शेल के हर जगह अंदर यही आता है हाँ ठीक कह रहे हो रिंग के लिए वो केवल सेंटर का था जो आपने फॉर्मूला सीखा ओके सर और एक्सिस एक और दे रहा हूं क्लियर कर दिया सेंटर से लेके गया Find the work by agent. करो अपने आप सोचो बाहर का कुंड अब हेडिंग डालो ये सब यूज होगा बेटा सब इंपॉर्टेंट है जो सिखा रहा हूं हेडिंग डालो ग्रेविटेशन पहले हेडिंग डाल दो समझाएंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम
इसका मतलब लिखो, इट इज द टोटल वर्क डन, समझा दूंगा चिंता मत करो, इट इज द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग all the masses from infinity to their respective position. क्या मतलब? हेडिंग क्या थी? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, हेडिंग थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो डेफिनेशन में मैंने अभी लिखवाया है, इट देखो इसको क्लियर कर दूं फिर समझाता हूं। एक सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब सारे मासस को लेकर आके रखा, एक अपनी जगह पे लाके रख दिया, तो लाके रखने में जितना एक लेकर आए दूसरा लेकर आए सबको लाके रखने में जो वर्क होगा वो सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। बिल्कुल ठीक है ना, सही है। तो अब सबसे पहले सीखो इसी में, हेडिंग डालो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम विद टू पॉइंट masses, potential energy of system with two point masses, केवल दो पॉइंट मासेस एक सिस्टम में, उसकी एनर्जी निकालनी है। इतना बनाओ डायग्राम, इसकी मैं सिस्टम की एनर्जी निकालूंगा। बना लिया? यस सर। फर्स्ट लिखो, फर्स्ट वी विल अज्यूम, इसकी एनर्जी निकालूंगा, फर्स्ट वी विल अज्यूम एम वन एंड एम टू आर एट इंफिनिटी, फर्स्ट वी विल अज्यूम M1 and M2 are at infinity. दोनों पहले infinity पर हैं। तो पहले किसी को भी ले आते हैं, चलो पहले M1 को ले आते हैं, M1 को यहां लाके रखा और वर्क निकालेंगे, M1 को लाके रखा और वर्क, ये लिखा। अभी M2 infinity पर है, M1 को यहां पे लाके रखा, तो यहां पे अभी कोई पोटेंशियल होगा ही नहीं क्योंकि कुछ है ही नहीं आसपास, और इन्फिनिटी पे तो जीरो। अब मैं M2 को लाऊंगा, यहां पे तो इसके कारण से पोटेंशियल है, इंफिनिटी पे जीरो था। तो जो टोटल है इतना लिख लो, ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है।
अब लिखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम potential energy of system with three point masses. With three point masses. डायग्राम बनाओ. लेट अस पहले तो लिखो फर्स्ट ऑल डायग्राम बना लिए. इनिशियली ऑल द मासेस आर एट इंफिनिटी. इनिशियली इनिशियली ऑल द मासेस आर एट इंफिनिटी. पहले M1 को लेकर आते हैं. यहां पे लाके रखा. अभी तो M2 और M3 है ही नहीं, तो यहां का पोटेंशियल तो जीरो है. अब चलो जिसको भी बोलोगे, चलो M2 को लेकर आएंगे. अब M2 को लाए तो M1 के कारण से यहां पोटेंशियल है और इन्फिनिटी पे जीरो था. अब मैं M3 को लेकर आ रहा हूं. अब यहां पर पोटेंशियल एक तो M1 के कारण से और एक M2 के कारण से है. M1 के कारण से इतना है, M2 के कारण से इतना है. सबको जोड़ दो तो वो वर्क है और वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी है. रुको मैं पूरा सॉल्व कर देता हूं, देख लेना फिर सवाल कर लेंगे. इतना लिखो. लिख ले, लिखने के बाद बताना, फिर मैं बताऊंगा कैसे याद करना है, फिर सवालों से करेंगे. लिख लिया सर. नोटिस करो पेयर्स लेने होते हैं. पेयर्स नोटिस करो, पेयर सारे तीन मास है तो तीन पेयर बनेंगे. पेयर लेने होते हैं, पेयर M1 M2 उसके बीच की दूरी a, फिर M1 M3 नीचे दूरी c, M2 M3 नीचे दूरी b. पेयर लेने होते हैं. सवाल करेंगे और पेयर छूटना नहीं है और रिपीट नहीं होना है. दो तीन क्वेश्चन ले लेते हैं, समझ जाओगे. कोई बहुत कोई मुश्किल नहीं है. अच्छा रुको, पहले तीन तीन चार सवाल ले लेते हैं. बेटा मैं कुछ कुछ कभी सवाल तुमसे बोलता हूँ, वो किताब वीडियो के देखने के मैं क्लास में नहीं करा रहा होता हूँ. आई होप तुम देख लेते हो जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं. जैसे मैंने कैविटी के कुछ सवाल दिए थे सॉलिड बॉल में, कैविटी के. मृदनी तुमने देखा था वीडियो वो? मृदनी
ठीक है, जिन जिन जो भी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मैंने उसमें मैथ्स के स्टूडेंट लिख दिया है, वो कैविटी वाले सवाल मैंने क्लास में इस लेक्चर में नहीं लिया, प्लीज देखो, और डाउट हो तो मुझसे बताना, मैं जरूर बता दूंगा दोबारा। डायग्राम बनाओ, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। करो सर माइनस ऑफ 3 gm कर। हाँ यहाँ देखो तीन पेयर बन रहे हैं, तीन तेरा थ्री पेयर्स आइडेंटिकल, ये हो गई सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अगला क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। करो 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 करो। एक तो ये पेयर बना, एक ये पेयर बना और एक ये पेयर बना। एक ये पेयर हो गया और एक ये पेयर हो गया। ये सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगी। नेक्स्ट, कैन आई क्लियर दिस? अगला डायग्राम,
फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम. करो देखो, अच्छा हिंट देता हूं. चलो ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, ये पेयर है, और साथ में दो डायगोनल पेयर्स हैं. अब बनाओ आंसर. करो आया. चार तो कॉर्नर पेयर्स हैं, चार तो कॉर्नर पेयर्स हैं और दो डायगोनल पेयर्स हैं. अब मैं थोड़ा सा डिस्कशन का अगली क्लास का भी शुरू करवा देता हूं. लिख लिया? यस सर. अब तुम लोगों को वर्क में मैंने एक चीज सिखाई थी और वो ये बताया था कि वर्क एक्सटर्नल इज चेंज इन मैकेनिकल. इफ वर्क एक्सटर्नल इज जीरो देन यू कैन से दैट मैकेनिकल एनर्जी इज कांस्टेंट. लिखो जरा वापस से. लिखो इफ अ मास फ्रीली मूव्स इफ अ मास फ्रीली मूव्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड इफ अ मास फ्रीली मूव्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड देन only conservative force bracket में लिखो gravitational force, only conservative force bracket में लिखो gravitational force is acting. Hence, mechanical energy will remain constant. अब इसको हम अगली क्लास में डिस्कशन को बढ़ाएंगे. आज इतना.